हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ और रिएक्शन वीडियो है अपनी जुजू यानी कि प्रियादीप के ऊपर। तो बात करते हैं प्रियादीप की। ये बात सच है कि बहुत से लोग इसको देख के यूट्यूब पे आए थे कि जब मानसिकता ये थी कि जब ये व्लॉगर बन सकती है, ये मेकअप वीडियोज ला सकती है, ये ब्यूटी व्लॉगर बन सकती है, तो हम क्यों नहीं। लोगों के दिमाग में सोच में यही था और काफी लोगों ने इसकी नकल करके यूट्यूब पे आए थे और अपने वीडियोज डाले थे। कुछ ने इसकी तरह ही बिना सीखे हुए यूट्यूब से ही लिपना पोतना सीख लिया और ला दिया। कुछ ने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली और लेके आए और सक्सेस भी हुए। कुछ लोग सक्सेस नहीं भी हो पाए, क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक लक का खेल है। आप बहुत अच्छा करते तब भी सक्सेस नहीं, आप कुछ नहीं करते बहुत बेकार करते तो भी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसकी बात किया जाए तो इनको जो है हमेशा बहुत ज्यादा फिल्टर लगाने के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा ब्यूटी फिल्टर्स लगाती हैं, ब्लर इफेक्ट लगाती हैं। ब्लर इफेक्ट में तो काफी सारे व्लॉगर्स हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जिससे स्मूथ लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए। ये व्लॉग्स बनाती हैं, कुछ भी लगाती हैं, बोलती आपको दिखेंगी डोंट माइंड मेरा कैमरा खराब हो गया था, मेरा कैमरा ऐसा था, डोंट माइंड करते करते या यहाँ तक आ पहुंची हैं। बीच में कुछ साल इनकी जो स्टेटस था ना यूट्यूब के ब्लॉगर का, वो थोड़ा हाई था, बहुत ज्यादा लोग देखने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका बुखार जो उतरा है, लोगों ने इनके फिल्टर्स को पहचाना है कि बिना फिल्टर के ये एक प्यार भी करने के लिए नहीं आती थी। काफी लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि प्यार तो कम से कम बिना फिल्टर के करो, ओरिजिनल स्किन दिखाओ। इनको गोरे लगने का, कोरियन ब्यूटी लगने का इतना शौक है कि ये फिल्टर पे डबल फिल्टर लगाती हैं। कैमरे का फिल्टर लगाएंगी या आईफोन का फिल्टर लगाएंगी, फिर एडिट करते समय फिल्टर लगाएंगी, और ऐसा फिल्टर लगाती है कि इनकी आईब्रोज तक नहीं, आईब्रो कह रहे पलके तक नहीं दिखती है, आईलैशेस भी नहीं दिखती है। पता नहीं क्या करना चाहती हैं। क्या सांवले लोग यूट्यूब पे सक्सेस नहीं होते हैं? सचिन मनीषा देख लीजिए, मनीषा सांवली है, तो क्या उसके व्यूज नहीं है? बहुत बड़ी ब्यूटी व्लॉगर सरा सरोज देख लीजिए, तांबई रंग की यानी कि वेटेश रंग की है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा, इससे काफी ज्यादा सक्सेस है, हाई लेवल की और हाई स्टैंडर्ड की है। अगर आपने उनको देखा होगा, सारे ब्यूटी व्लॉगर्स को हम आपको शुरू से बता रहे, चाहे वो हिमाद्री पटेल हो, चाहे सरा सरोज हो, चाहे स्मिता दीपक हो, सब सांवले रंग पे हैं, लेकिन बिना फिल्टर के वो बहुत अच्छे वीडियोस लाते हैं। हम लोग आईफोन पे लगाते हैं, इंस्टा पे फिल्टर लगा लेते हैं तो भी बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन ओरिजिनल शक्ल लेके आ जाते हैं तो फिल्टर अच्छा आता है। अच्छा, बाय द वे, मैं इसीलिए आज बहुत अच्छा मेकअप वेकअप करके आके बैठी हूँ, क्योंकि मैं प्रियादीप पे रिएक्शन दे रही हूँ। आप लोग जिससे समझ जाए, मैं अगर इंट्रोडक्शन नहीं भी देती तो आप लोग समझ जाए। हाइलोजन लगा लेती हैं वीडियो बनाने से पहले, आप लोग देखे होंगे, दो दो तीन तीन बड़े बड़े छतरी वाले लाइट लगा लेंगी, कितने सारे रिंग लाइट जला लेंगी, पूरा जैसे फिल्मी सेटअप नहीं होता, खूब सारे लाइट के बीच में अपने को हीरोइन दिखाने के लिए बैठ जाती हैं और लगा लेती हैं। अभी जब ये बिहार से होके आ रही थी, काफी बताया बिहार का ये बिहार का वो, पता नहीं क्या क्या व्लॉग में बता रही हैं, आते ही ये ड्रेसिंग टेबल पे जब तैयार हो रही थी, तो ड्रेसिंग टेबल पे अगर आप लोग गौर से देखिएगा, दो बड़े बड़े हाइलोजन लगा रखे हैं, मोबाइल कैमरा वो सब लगा रखा है, उसके आगे रिंग लाइट भी लगा रखी है। बाप रे बाप, क्या है भैया, कोई मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, कोई ब्रांड्स वैल्यू ये नहीं है कि आपके पास ब्रांड्स वैल्यू हो, आपके पास महंगे ब्रांड्स हो, आपके पास है वही पर्पल नाइका। इसके अलावा अगर आप सोचे कि बड़े ब्रांड्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर ये जो इतना तामझाम लाइटिंग्स का, इसका इसका उसका, क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है। गई कहीं टाइम पे जाती नहीं है, रास्ते भर नाचते गाते, रास्ते भर नाचते जाती, जिया क्या गई तो किस तरह से गई, आप लोग देखिए, रास्ते भर नाचते गाते, वहां पे जाके देर पहुंची, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी शुरू हो गई, मेरे आने से पहले पार्टी शुरू हो गई। अब तुम टाइम पे पहुंचोगे नहीं तो तुम्हारे आने से पहले क्या, तुम्हारे आने से पहले पार्टी खत्म नहीं हो गई हो, ये सोच के बैठो। कहीं भी जाना इन लोगों ने टाइम पे सीखा ही नहीं। सबसे पहले बात ये, अपने को लखनऊ में की बहुत बड़ी कोई मॉडल है, हीरोइन समझती है, इंग्लिश डोंट माइंड करते करते आजकल तो शश बोलने लगी, जजा बोलती थी तो जजू नाम पड़ा था, आपको आजकल का पता नहीं क्या, गाइश गाइश करके शश बोलने लगी है। हम कहते हैं हिंदी है, हिंदी भाषी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उतना ही बोलिए, और अगर आती है तो सही प्रोनाउंस करके बोलिए, और अगर आपको शौक है बोलने का तो भैया सीखिए। लखनऊ जैसे शहर में हर जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको इंग्लिश, ब्रिटिश और सारे तरह के लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस आपको सिखाए जाते हैं, ज्वाइन करके वो सीख लो भाई। अभी तक तो कहते रह गए कि बहुत अच्छा कोई मेकअप एकेडमी ज्वाइन करके वो सीख लो, नहीं सीखा, इसी में काम चल गया, इसी पे वायरल हो गया, इसी पे पैसा लाखों रुपए कमाने लगे तो कर लो, ठीक है, लेकिन कम से कम अगर बहुत ज्यादा शौक है इंग्लिश बोलने का तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो सीखा ही जा सकता है ना। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं सीखना चाहा, बस कैमरा उठाई, लाइटिंग्स लगाई, चेहरा ऐसा ब्लर करके दिखा देंगे, ऐसा दिखा देंगे, एक पोर्स ना दिखे, एक वो ना दिखे, और चेहरा एकदम सफेद,
इस तरह से दिखता है। इनको पता नहीं सामने लोगों से क्या दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आता। सामने लोग के प्रति नफरत जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं है। सांवलापन बहुत खूबसूरत होता है। ओरिजिनल स्किन के साथ आइए। कोई भी हम लोग ने इस समय वो नहीं लगाया रिएक्शन वीडियोस पे। हम कोई भी एक तो पता नहीं आईफोन में इसमें फिल्टर होता ही नहीं है, ये एडिट ना करना पड़े मैं ऐसे ही डालती हूँ, फिल्टर होता ही नहीं है। और सीधी बात यह है कि आपको हमेशा हम गोरे ही दिखे, हम ऐसे ही दिखे, हम हीरोइन ही बन के दिखे, हम ऐसे ही इंग्लिश बोले, ये चीजें सूट नहीं करती हैं, क्योंकि है नहीं ना, ओरिजिनलिटी पे आ रही है ना, ओरिजिनलिटी पे रही है। अभी आप वहां पे गई हैं या कि हाँ, तो वहां पे साड़ी लेके लोग कह रहे थे, तो सच बात यही है, कामिनी जी के साथ साड़ी आपकी मैच हो गई थी और कहीं ना कहीं आपकी साड़ी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। एक तो नेट की साड़ी मुझे वैसे नहीं समझ में आती, लेकिन हाँ आपके ऊपर वैसी, क्योंकि आपको हमेशा अलग दिखने की चाह होती है ना कि मैं अलग लगूं, मेरा ये लगे, मेरा वो लगे। तो भैया वहां पे आपका जो फैशन सेंस था, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस था, वो ब्लंडर हो गया, वो बिल्कुल ऑफ हो गया, जिसपे की लोगों ने बातें भी बनाई, लोगों ने कहा भी, कामिनी सिंह जी को नहीं कहा, जबकि दोनों की साड़ी बराबर थी, लेकिन आपको जरूर टारगेट किया, क्योंकि सबको पता है कि आप फेक दिखना, फेक बताना, फेक वो काफी ज्यादा पसंद करती है। एक बच्चा क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा हम गोरे हैं, बहुत ज्यादा ये, एक बच्चे कोरियन ब्यूटी बनने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी बहुत काफी होती है। एक बच्चा था, दूसरा बच्चा भी आपको काफी दिन बाद हुआ है, तो वो बेटी को भी अच्छे से दीजिए। आप सिखा भी यही रही है कि सांवले को जो है हेट करो, गोरे लोगों की ही चलती है ऐसा। चलिए भाई लभी, आज का रिएक्शन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द लाते हैं। इनके तो तमाशे होते रहेंगे और वीडियोस आते रहेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।